हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में है या क्लास 12th में है तो आपके एग्जाम में आपको पैसिव वॉइस 2 अंक का मिलेगा और कोई मेहनत नहीं है। अभी आपके सामने मैं यहाँ पर साफ कर दूंगा। इसे आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पढ़ते हैं तब भी आपके दिमाग में नहीं घुसता है। आज आपके दिमाग में ये आके रहेगा और बहुत बढ़िया से, अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे इसको। बस कुछ भी नहीं करना, आपको थोड़ा सा अगर ये दिमाग में आ जाता है तो ठीक है, आज देख लीजिएगा। यही चीज आपको पता होना चाहिए, बस इतना मैटर आपको याद होना चाहिए। ये आपको ऐसे देखते देखते याद हो जाएगा। देखिए, आई का मी में बदलना है और मी को आई में बदलना है, यू को यू में बदलना है और ही को हिम में बदलना है, सी को हर में बदलना है, हर को सी में बदलना है, और इसी तरीके से देम को दे में बदलना है, दे को देम में बदलना है, वी को अस में बदलना है, अस को वी में बदलना है। आखिर ये क्या बदलना है? ये सब्जेक्ट रूप में रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट रूप में रहेगा। जब कभी भी आई को अगर हमें ऑब्जेक्ट रूप में लिखना हो तो मी में लिखेंगे, मी में रहे तो आई में लिखेंगे। ये चीज हमें समझना है। मतलब जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो हमें मी में बदलना पड़ेगा। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखें। अब रखिए, रही बात आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता हो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो। जब हमारा एक सेंटेंस होता है तो उसमें हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म, सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद वर्ब रहेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले होगा, बीच में वर्ब होगा, पीछे ऑब्जेक्ट होगा। मतलब पीछे वाली चीज को आगे करना है और आगे वाली चीज को पीछे करना है। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तब हम बाई लगा के लिखेंगे और बीच में हेल्पिंग वर्ब रहेगा। हेल्पिंग वर्ब किस इस तरीके से है यहाँ पर, जब कभी भी, देखिए हम टेंस के आधार पर यह नहीं चल रहे हैं, आपको बस हम शॉर्ट कट बता रहे हैं। जब कभी भी आपको यहाँ पर देखिए ये यस या यस आ रहा है क्रिया के साथ, अगर आपको यस या यस लिखा हुआ आ रहा है तब आपको इज एम आर में हमें लगाकर सहायक क्रिया हमें बदलना, हमेशा क्या है इसमें दो ही चीजें बदली जाएंगी, याद रखना। एक आपका हेल्पिंग वर्ब बदला जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा और उसके बाद आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलेगा। तीन ही चार चीजें चेंज करना है, याद कर लीजिए दिमाग में। आपको हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आपस में चेंज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, बस इतना भी याद करना है, यही बदलना है। और सब सब में आपको बाई बाद में लगाना है, ये फिक्स है, थर्ड फॉर्म और बाई फिक्स है लगाना है। कब क्या कैसे लगाना है ये चीजें, बाकी एक चीज और ध्यान देते हैं। सब जो सब्जेक्ट आपके होंगे वो हमेशा एक क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, कोई भी अकेला चीज हो तो वो एक क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपका ही सी होगा और नाम होगा। कोई भी नाम है, कोई भी नाम है या कोई भी अपने आप में अकेला है, जैसे एप्पल है तो एक क्वेश्चन है, एप्पल्स है तो बहुवचन है, यस लगा के लिखा रहे समझ लो बहुवचन है। उसमें आपको उसके साथ साथ आपका यू बी यू दे जो आपका आता है, ये सारी चीजें आपका आई बी यू दे, ये सारी चीजें आपका आ जाएगी। आई यहाँ पर नहीं लिखे हैं, वी नहीं लिखे हैं, वी भी आपका ठीक है। अब एक वचन के साथ सहायक क्रिया कौन कौन सी आएगी, इज वाज हैज हैड विल, इतनी चीजें आपकी एक वचन के साथ आएंगी। अगर टेंस पढ़ेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अगर आपका आर है, वर है सेल है, ये आपका बहुवचन के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा? ये बहुवचन के साथ लगेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं बहुवचन, ठीक। चलिए हम यहाँ पर बनाना सीखते हैं, कोई सेंटेंस लेते हैं, सबसे पहले एकदम आसान से लेते हैं। ईट्स द फूड, ठीक है। अब हमें इसको बदलने से पहले दिमाग बैठाना है, हमारी सहायक मुख्य क्रिया जो है ना इस पर नजर डालना है, इसी पे नजर डाल के हम इनको पकड़ेंगे। यहां से देखते हैं इसमें यस लगा है, मतलब ये वाला फॉर्म है, मतलब इनमें से कोई लगेगा, तीन में से कोई एक लगेगा। और कब क्या लगेगा ये चीजें देखिए, यहां पर बताए एक वचन साथ ही बहुवचन के साथ हार, बहुवचन के साथ है हार, और हमेशा आपका आई के साथ एम, आई के साथ एम, आई के साथ एम यही बदला जाएगा, दिमाग बैठा के रखना। आई के साथ एम, सब बाकी सभी के साथ। एक वचन कौन कौन से होते हैं, ये सब। बहुवचन कौन कौन से होते हैं, ये सब। बहुवचन कौन कौन से होते हैं, ये सब, ठीक है। यहाँ पर हम लिखे हैं बहुवचन में, ये भी लिखे थे, तो यहाँ पर देखते हैं यस या यस लगा है, यस या यस लगा है तो हमें क्या करना है, हमें एक वचन बहुवचन के हिसाब से लगाना है। देखते हैं हम पहले क्या करेंगे, पीछे वाले को बदल के लिखेंगे। पहले सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट को लिखो, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीन चीजें आपको मिल गई। अब पहले द फूड को आप आगे करिए तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, द फूड आगे कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, हमें इसमें देखना है कि इनमें से कोई लगेगा, इज एम आर, तो द फूड देखिए
द फूड क्या है आपका, बहुवचन है कि एक वचन है? तो अब अगर फूड एक है तो फूड तो एक वचन, यहाँ पर फूड्स था, यहाँ पर हम बहुवचन कर देते हैं आर बहुवचन। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा लगाना है। क्रिया हमारा ईट है, ईट का थर्ड फॉर्म आपका ईटन हो जाएगा, ईटन होगा। फिर हमें बाई हमेशा लगाना है, वर्ग का बाई, बाई के बाद आपको जो ये यहाँ पर है इसका हमेशा ऑब्जेक्टिव रूप, ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम होता है, तो हिम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हिम लिखेंगे। ठीक है, ये चीज आपको होना चाहिए। ओके, जैसे मान लीजिए आप यहां लिख देते हैं, यू रीड ए बुक, यू रीड ए बुक, यू रीड ए बुक। अब इसमें या से यस नहीं लगा है, जब नहीं लगा है तब भी आपका यही है, ठीक है, और सेकेंड फॉर्म हो तब आपका ये वाला फॉर्म। अगर या से यस लगा हो तो ना लगा हो तब भी आपको इसी में बदलना है। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, पहले ए बुक देखिए, ये अलग अलग आपको बदल, ए बुक को आपको आगे लाना है, ए बुक हो गया। उसके बाद आपको इज एम आर में, ए बुक आपका एक वचन है तो इसमें आपका इज लगेगा, एक वचन के साथ इज लगेगा। और इज के बाद हमें सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया है रीड का, हमें थर्ड फॉर्म रीड लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको बाई लगाना पड़ेगा, फिर यू का हमारा बदलना हुआ रूप यू ही होता है, इस तरीके से बदला जाएगा, ऐसे ही बदला जाएगा। ये तो इनडिफिनिट टेंस की चर्चा कर रहे थे। यदि आपका ये सब आ जाए, ये सब आ जाए कई सेंटेंस में, आपको ये सब मिल रहे हो और उसके साथ आपका वर्ब में आईएनजी लगा हो, तो आपको ये तो रहना है, प्लस आपको बीइंग लगा देना, प्लस उसमें बाई बीइंग लगा देना। जैसे मान लीजिए यही चीज आपका इस तरीके से होता, यू आर रीडिंग ए बुक, यू आर रीडिंग ए बुक, इस तरीके से होता। अब देखिए इसमें ये सब इसमें से आ गया ना, और उसके बाद आईएनजी भी लगा है। जब आईएनजी लगा हो तो कुछ भी नहीं करना, पहले पीछे वाले पोर्शन को आपको देखना है, उसको आगे ले आना है, ए बुक, ठीक। उसके बाद ए बुक लिखने के बाद आपको क्या लगाना है, जो सहायक क्रिया है उसको लगाइए, यहाँ पर लिखे हैं सहायक क्रिया, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका ए बुक, ये आर था तो यहाँ पर आर हो गया आर। फिर उसके बाद हमने बोले इन सब के बाद क्रिया का आईएनजी है, पहले प्लस करके बीइंग लगा दो, इसमें आपको बीइंग लगा देना है। बीइंग लगाने के बाद आपको जो यहाँ पर है उसको लगा दीजिए थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड हो जाएगा, और उसके बाद बाई लगाइए, उसके बाद यू का आपका यू ही होगा, ये चीज होगा। समझ में आई बात? इस तरीके से करना है, मतलब आपको यहाँ पर समझ लेना है कि हमेशा आपको जब सहायक क्रिया हो जाए तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके बाद बाई लगाना है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल कर लिखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल करके लिखना है, और जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में हमें रख देना है। तो हम कोई और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए इसी में से अगर हम कोई ले, जैसे हमें यहीं पर होता ही, ये आपका निगेटिव होता मान लीजिए यहाँ पर, जैसे ही डज नॉट ईट्स द फूड, अब यस तो लगेगा नहीं, ईट्स द फूड्स, इस तरीके हो गया। अब इसमें निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव इंट्रोगेटिव से आपको दिक्कत नहीं, जहां पर जो है उसको रहने दीजिए, निगेटिव है तो निगेटिव रहने दीजिए। हमें क्या करना है, फूड्स वाले पहले पोर्शन को लिखना है, द फूड्स, ये हो गया। अब द फूड्स बहुवचन है तो आर लगाएंगे, मैंने बोला है इसी में बदलना है, आर में, आर के बाद आप नॉट लगाइए, डू डज को हटाइए, नॉट लगाए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा मुख्य क्रिया होता है जैसे ईट है, ईट का ईटन हो गया। उसके बाद बाई किसके द्वारा, बाई आपका हिम द्वारा, इस तरीके से। यदि आपका इंट्रोगेटिव होता तो ये आपका डज आगे जाता, कुछ इस तरीके से होता, डज डज ही ईट द फूड्स, इस तरीके से होता। तो फूड द फूड्स को आप आगे लिखते, पहले द फूड्स को आप आगे लिखते,
दिमाग लगे। लेकिन एक बात है, इंट्रोगेटिव है, जब इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर चिन्ह रहेगा, और ये चिन्ह है तो इसको जो जैसे है उसी में रहने देना, बदलना नहीं। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम द फूड्स के बाद क्या लगाएंगे, आर, तो आर को आपको आगे लगा देना है, मतलब आर द फूड्स लिखना है, क्या आर द फूड्स, उसके बाद आपका वही जो प्रोसेस है, ईटन बाई। अब यहाँ पर अगर नाट है तो नाट यहाँ पर लगा देते हैं आपका, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर एक आप समझ लिए हैं तो इसके बाद आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, एक ही तरीके से सारे हैं। ये तो रही बात प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की, मतलब एक ही टेंस में हम चले हुए हैं। अगर इसी तरीके से हम दूसरे टेंस में चलते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा टेंस में दिमाग लगाइए कि यहाँ पर आपका नाट होता, दिमाग लगाइए यहाँ पर, सोचिए कि यहाँ पर आपका ये वाला सेंटेंस, यू आर नाट होता, यू आर नाट होता, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर आर लगाए हैं ना, यही आर के बाद इसमें नाट लगा दीजिए, तब बीइंग लगाइए। अगर इंट्रोगेटिव होता तो ये आर आपका यहाँ पर होता, तब आपको क्या करना, बुक के साथ भी आपको आर लगाना पड़ रहा है, नहीं यहाँ पर इज लगेगा, ए बुक है ना, इज लगेगा, सॉरी गलती से हो गया था कंफ्यूजन के लिए, तो इज आपको यहाँ पर आगे ले जाना पड़ेगा। इज आपको क्या करना ले जाएगा, जब आपका यहाँ पर आर अगर इसमें आगे आ जा रहा है तो इसमें आपका इज आगे आ जाएगा, बस यही। जैसे इंट्रोगेटिव में और है तो इंट्रोगेटिव में उसको भी बना देना, बस यही काम करना है। इसी तरीके सारे टेंस में चलना है। अब हम आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं कॉन्टिन्यूस तक, बता दी, परफेक्ट पर चलते हैं। किस पे चलते हैं, परफेक्ट पर चलते हैं, क्योंकि हमें पूरा समझाना है, पूरा बताना है, एक बार में कहानी खत्म कर दें आज, और आपको भी मजा आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। देखिए यह देखिए, मान लीजिए सी हैज टॉट ही हैज टॉट इंग्लिश, इस तरीके से कि उसने इंग्लिश पढ़ाया, वह इंग्लिश पढ़ा चुका है, वह इंग्लिश पढ़ा चुका है, या वो इंग्लिश पढ़ा, कुछ ऐसा है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर आपका हैज हैड आ रहा है तो उसको आप बीन में बदल दीजिए, मतलब उसके प्लस प्लस बीन कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ऐसे ही रहने देना है। जो ये सी है, पहले ये तो सब्जेक्ट होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो पहले इंग्लिश को आपको लिखना पड़ेगा, पीछे वाले को आपको आगे, तो इंग्लिश ये हो गया। इंग्लिश बाद आपको इंग्लिश देखना है, एकवचन बहुवचन, इसको हम नाम है, एकवचन हैज, अब इसको आपके इसके बाद बीन लगा देना है, बीन, उसके बाद आपका जो भी होता है प्रोसेस वही, या आपका टॉट या टॉट बाई सी है तो इसमें हर लगेगा, ठीक, बस यही इतना होना चाहिए, इतना ही होगा और कुछ नहीं। यदि आपका यहाँ इसके बाद हमारा नाट होता तो यहाँ पर भी हमारा नाट होता, और यदि हमारा यहाँ पर इंट्रोगेटिव होता तो हैज यहाँ पर आगे होता, हैज यहाँ पर आगे होता, इसमें भी हम हैज लग रहा हैज, अगर हैव लगता तो हैव को आगे कर दे, हैज लगता तो हैज को, जो भी आगे होता हो, बस यही काम करना होगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सारी चीजें पूरी हो जा रही है एक साथ, ठीक है, ये हो गया परफेक्ट का। इसी तरीके से हम पास्ट में अगर चलते हैं तो कभी कभी सेकेंड फॉर्म मिलता है, क्या मिलता है, सेकेंड फॉर्म। जैसे हमें यहाँ पर बोल दिया गया ही गेव ए बुक, इस तरीके से देखिए, ही गेव ए बुक, उसने एक पुस्तक दी, तो हम क्या करेंगे, पहले ए बुक लिखेंगे। अब इसमें हमें देखना है सेकेंड फॉर्म आ गया, सेकेंड फॉर्म आ गया तो वाज और वर में चेंज हो गया, तो पहले ए बुक लिखेंगे, ए बुक, ए बुक एक वचन है तो वाज लगेगा, ए बुक वाज, उसके बाद आपका गेब का थर्ड फॉर्म आपका गिबेन होगा, क्या होगा, गिबेन, गिबेन हो गया।
गिवेन के बाद आपको क्या करना है, बाई लगाना है, बाई के बाद आपको कर्ता को कर्म में रखना है, बाई हिम हो गया, इस तरीके से बाई हिम हो गया, इसमें था। यदि आपका यहाँ पर आपका निगेटिव होता, यहाँ पर आपका ही, तो आपका डिड नाट होता, क्या होता, डिड नाट होता, तो ये आपका गिव होता, ये क्या होता, गिव होता, अगर डिड नाट होता तो गिव होता, तब आपको कुछ भी नहीं करना है, तो ए बुक वाज नाट लगाना पड़ता, डिड नाट वाज, बाकी सब कुछ वही। यदि आपका यहाँ पर ये डिड आपका आगे होता, डिड आपका आगे होता, तो इसमें भी आपको वाज को आगे करना पड़ता, बस यही इंट्रोगेटिव बदलना पड़ेगा, सहायक क्रिया आगे ले जाना पड़ेगा, बस इतना प्रोसेस इसमें और था। इस तरीके से पास्ट इंडिफिनिट टेंस की भी कहानी खत्म। हम पास पहुंचते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम चलते हैं तो जैसे बी सिंगिंग ए यहाँ पर सोहन ले, एक नाम ले ले, कुछ इस तरीके से। अब इसमें देखते हैं सोहन वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो वाज आ रहा है मतलब इनमें से आ रहा है, क्योंकि इसमें आईएनजी लगा है, आईएनजी लगा है, आईएनजी लगा है, बीइंग लगेगा प्लस उसके बाद बीइंग और ऐड हो जाएगा, मतलब इसको हम चेंज करेंगे तो पहले ए सॉन्ग लिखेंगे, ए सॉन्ग एक वचन है, बहुवचन एक गाना, एक वचन है, एक वचन के साथ आपका क्या लगनेगा, एक वचन साथ ये सब लगेंगे, मतलब इसमें से हमें वाज लगाया जाएगा, वाज लग गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद प्लस बीइंग लगाना है, प्लस बीइंग लगाना है, क्यों, जब आईएनजी वाले हैं तो आईएनजी वाला है, बीइंग लगाना है, उसके बाद जो क्रिया थी जो आईएनजी वाला फॉर्म था, इसको आईएनजी को इसमें जोड़ दिया, अब इसमें हमारा ये थर्ड फॉर्म निकल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संग, यस यू एन जी संग बाई, ठीक है। अब संग तो जो भी है, संग है तो किसके द्वारा है, हाँ बाई किसके द्वारा है, सोहन के द्वारा, तो यहाँ पर आपका सोहन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद आपका ये इस तरीके का टेंस खत्म होता है, तो आपको पहुंचता है पैसिव वॉइस का, आपका इसमें का परफेक्ट, परफेक्ट में जैसे ये हो जाता है यहाँ पर, सोहन हैज, तो हैज होगा इसमें, हैड होगा, हैड, उसके बाद गिविन ए बुक, इस तरीके से होता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ए बुक को आपको आगे लिखना है, ए बुक, उसके बाद आपको हेड है तो हेड इसमें रहेगा, बीन लगाना है, हेड के बाद क्या लगाना है, बीन लगाना है, तो आपको बीन लगा देना है, बीन, फिर उसके बाद क्या है, गिवन है, फिर गिवन है, क्या गिवन है, बाई द्वारा, किसके द्वारा, सोहन द्वारा, ये हो जाएगा सोहन द्वारा, ठीक, इस तरीके से, मतलब कुछ भी नहीं चेंज करना, बस इतना अगर ध्यान रहे इसके बाद यही लगाना है, इतना प्रोसेस आपको करना है। अगर हम चलते हैं उस पर आपका जैसे फ्यूचर पर, तो फ्यूचर पर आपको कुछ भी नहीं करना है, फ्यूचर में आपको थोड़ा सा समस्या होगी, थोड़ा सा है और कुछ भी नहीं है उसमें, जैसे देखिए उसमें आपका होता है यहाँ पर विल और सेल के बाद आपको बी लगाना है अगर आ जाता है, तो जैसे देखिए यहाँ पर आपको मान लीजिए सोहन से ही शुरू करते हैं, सोहन विल रीड ए स्टोरी, ऐसे हो गया, तो सोहन रीड ए स्टोरी, तो ए स्टोरी पहले लिखना पड़ेगा, ए स्टोरी, ठीक है, उसके बाद विल है ना, पहले ये स्टोरी के साथ सोचो, विल लगेगा साइड लगेगा, यहाँ पर लिखे हैं विल या साइड जो भी लगे, तो विल लग रहा है, इसके बाद आप बी लगा दीजिए, बी के बाद रीड का थर्ड फॉर्म लगाइए, हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म रहेगा, विल बाई किसके द्वारा, सोहन द्वारा, बस इतना काम है। अब इसमें निगेटिव होता तो यहाँ पर नाट लगता, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपका नाट लगता,
अगर इंटरोगेटिव होता तो बिल आपका आ गया था, इसमें भी आपका बिल आ गया था, बिल होता तो सेल होता तो जो भी होता आ गया था, बस इतना काम करना, इंटरोगेटिव निगेटिव सारी प्रोसेस हो जाएगी। बचता है फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि विल बी वाला आपका कंटिन्यूअस तो खत्म हो गया, परफेक्ट में, परफेक्ट में आपका क्या आएगा, यही होगा केवल सोहन, यहाँ पर जो है विल हैव रहेगा, क्या रहेगा, विल हैव, उसके बाद आपका रीड ए स्टोरी, ठीक है, यहाँ विल हैव रहेगा। हमने बताया है कि हैज हैव हैड कुछ भी रहे तो उसके बाद विल लगा देना है, मतलब हमें क्या करना, पहले ए स्टोरी लिखना है, ए स्टोरी, उसके बाद हमें इस स्टोरी के है को जाना है तो विल लगेगा, विल हैव बीन, उसके बाद रीड का थर्ड पार्ट, उसके बाद बाई, उसके बाद सोहन, इस तरीके से सारा कुछ हो गया। निगेटिव हो तो यहाँ पर नॉट लगेगा, यहाँ पर भी नॉट लगेगा, इंट्रोगेटिव हो तो विल आगे आएगा, इसमें भी विल आगे आएगा, बस यही काम करना पड़ेगा। यहां तक हमने पूरा कर दिया, बचता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस अब उसमें क्या करना है, उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको देखना कैसे वाक्य है, जैसे भी वाक्य हो, ऑर्डर्ड हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, उसमें चेंज करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ पर सब कुछ रहना है, रिक्वेस्टेड के साथ आपको करना है, यहाँ पर अगला हो सकता है आपका रिक्वेस्टेड की जगह आपका ऑर्डरेड, ऑर्डरेड टू, यू आर रहना, ऑर्डर टू रहना, बाकी पूरा पूरा सेंटेंस वैसे ही रख देना है, पूरा पूरा सेंटेंस वैसे रख देना है। जैसे इसमें इस तरीके के वाक्य में कुछ लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके लिए डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि यह काम करो, बोला जा रहा है यह काम करो, अब बोलिए कैसे लग रहा है, आदेश जैसे लग रहा है, आदेश दे, यह काम करो, यह काम करो आदेश दे रहा है, तो आपको यहाँ पर रखना है यू आर रिक्वेस्टेड, नहीं रहेगा ये आपका अनुरोध के लिए लगेगा, अनुरोध या विनती के लिए, ये आपका लगेगा आदेश के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर टू लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू, पूरा पूरा ही सेंटेंस उतार दीजिए इसमें, यहाँ दिस वर्क, बस हो गया, इतना सिंपल है आपका ये इंपरेटिव का ये सेंटेंस, इतना सिंपल होता है, मतलब आपको सेंटेंस वैसे उतार देना है जब भी रिक्वेस्टेड में हो, ऑर्डरेड में हो, बस आपको यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डरेड टू लगा करके ये चीजें लगा के आपको कर देना है। अब आ जाता है यहाँ पर मॉडल वाला, कैन कुड मे माइट और ये वाली कम, इसको कैसे करना है, जिसे आपको लिखना है यहाँ पर, मान लीजिए जाता है इसमें कुछ नहीं, ये जो सेंटेंस आ रहे हैं जो यहाँ पर आपके सहायक क्रिया, इन सहायक क्रिया के बाद आपको बी ऐड कर देना, जैसे आपका जाता है यू कैन सिट ऑन दिस ट्री, ऐसे आ गया, तो आपको दिस ट्री पहले लिखना पड़ेगा, दिस ट्री, फिर कैन लिखेंगे, कैन के बाद आपको बी लगाना पड़ेगा, मैंने बोला इन सब के बाद बी लगाना, बी लगा दिए, फिर सीट का थर्ड फॉर्म, सीट का, उसके बाद आपका ऑन दिस ट्री, यहां पर बाई यू, बाई यू, इतना था, जैसे इसमें का हम कोई और ले लेते हैं, जो आपके पेपर में आया था उसको मैं कोई ले लेता हूँ, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, सारी सेंटेंस एकदम इजी, मतलब कोई कठिन नहीं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल फॉलो करना है, यही इतनी रूल, कैन आ जाए, सीट आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसमें आपको बी ऐड कर देना है, आपका हो जाएगा, बाकी आपका सारा हम कवर कर दिए हैं शॉर्टकट में, अगर आप इस फार्मूले चलेंगे, इतने ही रूल से चलेंगे तो आपका काम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, बस आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि हमें करना क्या है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें वो दिमाग में बैठा के करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा।
इसमें कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं, बहुत बड़ा आराम से हो जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आपको कमेंट करना है। और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और हमारा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, नहीं तो सर्च करिए मास्टरी मोबाइल टेक चैनल, और इन स्क्रीन पर आपको कुछ वीडियो मिलेगी, उसको देख लीजिएगा। इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, हमेशा आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह पर लिखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह लिखना है, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म पर रहना चाहिए। ऑब्जेक्ट लिखते समय पहले बाई लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब आपको वही ध्यान देना है, कैसे कैसे हेल्पिंग वर्ब चेंजेज हो रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी है। ओके, तो यही इतना काम था करने के लिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। जय हिंद एंड गुड बाय।